हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने पेंशन फंड में अपने पैसे को जमा किया है, अपने खून पसीने की कमाई को लगाया है, तो उनका अधिकार बनता है कि उन्हें पेंशन की राशि दी जाए। अब पेंशन की राशि में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है कि किस प्रकार की पेंशन राशि है और कितना उनको पेंशन राशि दी जा रही है, कौन से नियम, कौन से फार्मूले के आधार पर उनको पेंशन की राशि दी जा रही है, उनको इतना कम पेंशन की राशि क्यों मिल रही है। EPS 95 पेंशन धारकों के साथ में कुछ इस प्रकार से हुआ है कि उनको बताया कुछ और गया था, हुआ कुछ और। EPS 95 पेंशन धारकों को बोला गया था इतना ज़्यादा पेंशन मिलेगा उन्हें, इतना ज़्यादा पेंशन मिलेगा कि वो बड़े आराम से उनका बुढ़ापा कट जाएगा। लेकिन आज यह स्थिति आ गई है कि EPS 95 पेंशन धारक अपने बुढ़ापे में आखिरी सहारा ढूंढ रहे हैं। EPS 95 पेंशन को में वृद्धि करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न मालूम आज विगत 5 सालों से लगातार, जो तो पता नहीं कितनी बार, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, MLA और यहाँ तक कि जो ज्ञापन है, मतलब कि तहसील स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक या दिल्ली तक बड़े बड़े जगहों पे उन्होंने ज्ञापन दिया है। कोई भी MLA ऐसे नहीं है, कोई मंत्री मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिनके पास ज्ञापन न गया हो, और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने EPS 95 पेंशन में वृद्धि करवानी चाहिए। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन कई बार उनके सपोर्ट और समर्थन में जितने मंत्री मिनिस्टरों के पास जाया गया, उनके पास जो तो बोला यही गया कि EPS 95 पेंशन धारक बिल्कुल जायज मांग है और उनकी मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। लेकिन आज तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। मकर संक्रांति पे काफी ज्यादा उम्मीद था कि जनवरी में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ये जनवरी भी लगता है कि अब निकल जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति निकल गई है। मकर संक्रांति के ही शुभ अवसर पे यह ज्ञात हो रहा था कि EPS 95 पेंशन धारकों को हर पेंशन की राशि से संबंधित कुछ न कुछ ताज़ा जानकारी आएगी, लेकिन दिसंबर में जो EPFO ने सर्कुलर जारी किया था, उस सर्कुलर के बिना पे अब EPS 95 पेंशन धारकों को थोड़ा सा निराशा नजर आ रही है। लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम, यानी कि 10 तारीख को बहुत जोरदार जो है तो एक बड़ा आंदोलन किया और सभी जगहों में, लगभग 25 से भी ज़्यादा जगहों में EPS 95 पेंशन धारकों के साथ में उस सर्कुलर को जलाया, ताकि EPS 95 पेंशन धारक अपना रोष और गुस्सा दिखा रहे थे कि हम उस सर्कुलर को नहीं मानते हैं और आगे चल के EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कोई दूसरा प्रावधान निकाला जाए ताकि उनको फायदा हो। EPS 95 पेंशन धारकों को फायदा नहीं हो रहा था, उससे पूरी तरीके से ज्ञात था कि EPS 95 पेंशन धारकों को अगर फायदा देखना है तो ये सर्कुलर में बदलाव चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं तो जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं वो हायर पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए उसी पे बात की जा रही है और आगे चल के इसका जल्द ही रिजल्ट तमाम EPS 95 पेंशन धारक देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, अभी किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है, लेकिन जैसे ही निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए वीडियो मैं लेके आऊँगा। चलो दोस्तों, आज का बस इतना ही था। यह जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।